हेलो माना, हाय। चलो देखो, हम लोग भुवनेश्वर आए हुए हैं। माना से सीखेंगे क्या पीठा बना रहे हो? क्या बना हाँ, रहे हो? पीठा बना रही हूँ। पीठा बना रहे हो, दिखाना एक बार कैसे क्या करना है। ये उत्थपम का बैटर है। अच्छा, उड़द की दाल और चावल का लगा हुआ और उसको पीस कर रखती थी। अच्छा, क्या क्या डाला है उड़द की दाल? कितनी है उड़द का दाल? एक कप लेंगे तो आधा कप चावल लेंगे। अच्छा, दोनों को भिगा के 4-5 घंटा भिगा के उसको पीस देना और अच्छी तरह से फेंट के नमक डाल के रख देना। अच्छा, आधा घंटा रखने के बाद ये पीठा बनाते हैं। अच्छा, वैसे आंटी जो खिलाती थी वो कुकर में, वो कैसे होता है? वो भी इसी बैटर से? इसी बैटर में होता है और कुकर में हुआ बन जाता है, थोड़ा सा बड़ा बनता है। अच्छा, ये छोटा वाला बनता है, प्याज से बनता है। अच्छा, उसमें प्याज नहीं पड़ता? उसमें प्याज नहीं पड़ता। अच्छा अच्छा, आप चाहे तो नारियल का जो मीठा वाला नारियल बना के उसके ऊपर भी दे सकते हैं, जैसे पोड़ो पीठा उसको बोलते हैं। अच्छा अच्छा, हाँ। वो मीठा होता है? वो मीठा होता है, गुड़ के साथ बना। तो एक ही बैटर से बहुत सारी चीजें बन सकती है? एक ही बैटर से बहुत सारे। उत्थपम बना लिए, उसको थोड़ा और ज्यादा पानी डाल के डोसा बना लिए। अरे वाह, कुकर का। चलो देखो, हम लोग अभी भुवनेश्वर आए हुए हैं तो कितना अच्छा है, एक अच्छी चीज सीखने को मिलेगी माना से, है ना? ठीक है, चलो बना के दिखाओ भाई कैसे बनाओगे, है ना? ये बैटर हो गया, नमक पड़ा हो गया, ये प्याज, हरी मिर्च और ये धनिया का पत्ता। अच्छा अच्छा, हाँ। तो गैस गर्म के लिए कढ़ाई को। अच्छा, कढ़ाई भी इसमें क्या नॉन स्टिक होना चाहिए क्या? नहीं, वो कुछ कोई जरूरत, नॉर्मल कढ़ाई होने से होगा। ये नॉन स्टिक नहीं है, नॉर्मल कढ़ाई है, नॉन स्टिक में भी हो जाएगा, पर ये डीप थोड़ा होना चाहिए ये पिठा के लिए। अच्छा, ये डीप होगा तो वो गोल गोल बनेगा। ओके, अच्छी तरह। और सरसों का तेल थोड़ा अच्छे से दे दे, 2-3 चम्मच। अच्छा, 2-3 चम्मच सरसों का तेल डाल दिया उसमें। फिर बैटर को धीमी आंच कर लेना। अच्छा, सरसों का तेल एक बार गर्म हो जाए। हाँ। उसके बाद थोड़ा सा धीमी आंच कर लेना और बैटर से 1 चम्मच दे देना उसके अंदर, थोड़ा सा फैला देना और उसके ऊपर ये प्याज उसके ऊपर भी डालते हैं? ऊपर थोड़ा दबा देने से वो रह जाएगा उसके ऊपर। अच्छा अच्छा, नहीं तो नीचे जब करेंगे वो लग जाएगा, बस ऐसे ऐसे दबा देंगे। थोड़ा सा बैटर भी डालते हैं? हाँ, थोड़ा सा डाल के उसको ढक्कर लगा। ये एक लग जाती है लगभग बनने में? ये 5 मिनट के अंदर हो जाएगा एक तरफ। अच्छा, उसको पलट देना है दूसरे तरफ और 5 मिनट फिर उसको देखेंगे वो जैसे कलर हो जाएगा, वो पकने के जैसे। बस धीमी आंच में, वो थोड़ा सा हल्की आंच में होगा। अच्छा, बैटर में वो डाला है क्या, इनो या सोडा वगैरह? कुछ नहीं डाला है, सिर्फ फेंट दिया और आधा घंटा छोड़ दिया और फूल जाए। अच्छा अच्छा, बस खाली रखना है थोड़ी देर के लिए, ना? हाँ, इसको अभी पलट के ये ऐसा फूल गया है। हाँ, फूल वो अच्छे से पलट देते हैं। अभी भी कितने देर रखना है अभी? और ये 5 मिनट को हो जाएगा, तो 4 मिनट के अंदर हो जाएगा। अच्छा, 2-3-4 मिनट में हो जाएगा। चलो तैयार है। इसे खाते किससे है क्या? ये मटर की सब्जी खाओ, आलू की सब्जी खाओ, चटनी के साथ खा लो। अच्छा, की चटनी हो क्या, बूटो डाली का चटनी हो। अच्छा, बूटो डाली क्या होता है? बूटो डाली और नारियल से पिसा हुआ होता है। अच्छा अच्छा, नारियल का हाँ, चटनी है वो जो चने का दाल होता है ना। अच्छा, चने की दाल के साथ। अच्छा, चने का दाल और नारियल को पीस के उसमें थोड़ा नमक मिर्ची और ये जीरा और क्या उसको नींबू निचोड़। अच्छा, नींबू निचोड़ के। अच्छा, सब्जी से भी खा सकते हैं इसे? हाँ, सब्जी से खा लेते हैं। वो मटर की सब्जी होती है। अच्छा, मटर घुगनी? हाँ, घुगनी होता है। नहीं तो आलू के सब्जी हो उसमें खा सकते हैं। अरे वाह, बन गया है ना? हाँ, कितना अच्छा सीख गया ये तो। अरे एक बात, क्रिस्पी भी होता होगा खाने में ना? हाँ, बहुत, क्योंकि चावल पड़ा है इसलिए। अच्छा लगता है गरम गरम खाने में, बहुत अच्छा देखने में, बहुत अच्छा लग रहा है। चलो, एक नई चीज़ सीखने को मिली माना से, ये तो बहुत बढ़िया।